हाय फ्रेंड्स, पीछे हम कुछ वीडियोस में हमने समझा कि हम कर्म कैसे बनाते हैं, हाउ वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी, हाउ वी डू गुड बाय इंचेस एंड इविल बाय फुट। छोटी छोटी थॉट प्रोसेस से हमारे कैसे कर्म बनते चले जाते हैं और फिर हम सोचते हैं व्हाई आई एम सफरिंग। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आए, जैसे मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और उन्होंने बोला कि हम मेजरली कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं करते और बहुत अच्छा करते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो दुनिया में बहुत मेजरली गलत कर रहे हैं और फिर भी वो खुश हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके बिजनेस भी अच्छे चल रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी ठीक ठाक हैं, तो ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा सवाल आई थिंक हम बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छे लोग सफ़र क्यों करते हैं और बुरे लोग फिर भी उनके साथ अच्छा होता रहता है, होता है ना ऐसा? सो एक मैंने कहीं स्टोरी पढ़ी विच एक्सप्लेन्स दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियरली। वो स्टोरी थी कि दो फ्रेंड्स थे, एक बहुत अच्छा फ्रेंड था और एक बहुत बुरा फ्रेंड था। बुरा इन द सेंस हु विल कम्फर्टेबली डू बैड थिंग्स इन हिज लाइफ, किसी को डांटना है, किसी से चीटिंग करना है, कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करना है, कुछ भी। सो अब वो दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो जो मस्ती वाला और थोड़ा ऐसी हरकतें करता था वो फ्रेंड दूसरे को बहुत कहता रहता था चल यार पब चलते हैं, चल ये करते हैं, ड्रिंक लेते हैं, पर वो जो अच्छे वाला था वो हमेशा अच्छे 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 काम करता रहता था और कहता था नहीं यार बिजी हूँ, मुझे ये करना है, मुझे प्रेयर करना है, मुझे। सो लेकिन वो उसके हालात बहुत अच्छे नहीं थे, और जो दूसरा था वो बहुत अच्छे मस्ती में रहता था, हर जगह गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर को डांट दिया, ये कर दिया, सर्वेंट्स। सो एक बार वो दोनों घूमने जाते तो उन दोनों को एक ठोकर लगती है एक जगह, तो जो अच्छे वाला होता है उसको गोल्ड कॉइन मिलता है और जो बुरे वाला होता है उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। अब वो फिर उसका मजाक उड़ाता है, कहते ये कर ले तू इतने क्या क्या करता रहता है पूजा पाठ, तुझे क्या मिला कांटा, मुझे क्या मिला गोल्ड कॉइन। अब जो अच्छे वाला होता है थोड़ा परेशान हो जाता है, वो कहते हैं कि यार दिस इज टू मच, मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा करता रहता और फिर भी मुझे क्या मिल रहा है। सो अल्टीमेटली वो गुरु के पास जाता है और गुरु उससे पूछता है कि गुरु जी ये कैसे हो रहा है, मैं इतने अच्छे काम करता हूँ और मुझे तो हमेशा बस कुछ बुरा 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 ही होता रहता है, और वो इतने बुरे काम करता है उसको हमेशा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। गुरु जी कहते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम, ऐसा करते हैं हम चलते हैं जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है और वहाँ थोड़ा देखते हैं कि क्यों हुआ। और वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जो प्लेस होती है उसको डिग करते हैं दोनों, और जो अच्छे वाला फ्रेंड होता है जब वो उस डिग किया जाता है नीचे एक मटका होता है और उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन, बेसिकली वो फुल मटका विद गोल्ड कॉइन्स होता है, और वो सारे ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिर्फ ऐश रह जाती है। और दूसरी साइड उन्होंने देखा एक नूज, दैट इज सूली जिसको हम कहते हैं, जिस हैंग करना है ना, तो वो सूली एक होती है और वो अल्टीमेटली ऐश में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब गुरुजी एक्सप्लेन करते हैं कि जो अच्छे वाला था वो तो इतने अच्छे कर्म करके आया था पिछले लाइफ टाइम में कि उसको तो ही शुड हैव बीन अ किंग, और उसके पास तो ये सारे गोल्ड कॉइन्स उसी के थे और उसको मिलने चाहिए थे, पर उसने इस लाइफ टाइम में इतने ऐसे कर्मास क्रिएट किए कि वो सारे एशेस में कन्वर्ट हो गए। और ऑन अदर साइड द बैड द गुड वन ही डिड सच बैड कर्मास इज इन पास्ट लाइफ दैट ही वाज टू बी हैंग्ड, but because he did such good karmas in this lifetime, so he ultimately changed all that noose into just a thorn. So Guruji says that now today your balance is equal, so neither he has good in his balance nor bad, nor you have good in balance nor bad. So now what you do from today, now you will get life accordingly. So basically फिर life is eternal. हम पिछले लाइफ टाइम से आज तक क्या कैरी कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, वो सारा कनेक्टेड है। जैसे बैंक में होता है डेबिट क्रेडिट, वैसे ही हमारी लाइफ है, तो उसके हिसाब से ही हमारी लाइफ में हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे पिछली लाइफ टाइम्स में बहुत लोग कहते हैं हमने क्या देखा, हमें नहीं पता, तो आप लोगों ने सुना होगा भीष्म पितामह की स्टोरी कि कैसे उन्होंने लॉर्ड कृष्णा से कहा कि मैं क्यों इस शैया पे लेटा हुआ हूँ, कांटों की शैया पे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बोला कि मैंने तो 100 जन्म पिछले देख लिए हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लॉर्ड कृष्णा ने बोला कि आप 101वां जन्म देखें,
और जब उन्होंने 101वां जन्म देखा, बिकॉज वो देख सकते थे, तो उन्होंने देखा कि उस जन्म में उन्होंने एक चिड़िया पे एक एरो फेंका और चिड़िया उसमें अटक के तड़प तड़प के मर गई। तो वो उनका कर्मा पेंडिंग पड़ा था जो उनको इस लाइफ टाइम में मिला। सो फ्रेंड्स, हमने पीछे क्या किया है वो भी हम कैरी कर रहे हैं। तो अब इसका हमने करना क्या है? करना यही है कि आज हम अच्छे कर्म करें ताकि जो पीछे बुरे भी किए हैं उनको हम खत्म कर पाए और आगे के लिए हम अच्छे क्रिएट कर पाए ताकि हमारी लाइफ आगे बहुत सुंदर हो। थैंक यू।